वेलकम बैक टू माय चैनल टीजी पाठशाला। गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा इंट्रो बताने वाली हूँ, देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड का मतलब समझते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट इलेक्ट्रो और सेकेंड लिसिस। गाइस इलेक्ट्रो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी। और जो लिसिस वर्ड है इसका मतलब होता है सेपरेशन। क्लियर? तो गाइस जो इलेक्ट्रोलिसिस है इस पूरे वर्ड का मतलब हो गया कि जब सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट का मतलब होता है कि उनमें केमिकल चेंज होता है और वो सब्सटेंसेस डीकम्पोज हो जाते हैं। क्लियर? तो गाइस जो इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड है ये दो वर्ड के बीच में रिलेशनशिप बताता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। मतलब जब सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, दैट मींस उनमें केमिकल चेंज होता है। अब बात आती है क्या सभी सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। गाइस कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि सभी सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। अब गाइस बात आती है कि जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो क्या उन सभी सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज होता है, तो ऐसा नहीं होता। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल चेंज होता है, बट कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें दो मेन कैटेगरी होती है, दैट इज मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो गाइस जो मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, और जो मेटल्स के अलॉयज होते हैं, अलॉयज मतलब जो मिक्सचर होते हैं मेटल्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के। तो गाइस ये जो मेटल्स होते हैं ये कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है, चाहे ये अपने सॉलिड स्टेट में हो या फिर मोल्टन स्टेट में हो, दोनों ही स्टेट में इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर? गाइस मोल्टन स्टेट का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं जब ये अपने लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है, मोल्टन स्टेट मतलब ये मत समझिएगा कि एक्वा स्टेट, एक्वा स्टेट अलग हो गई। एक्वा स्टेट का मतलब होता है जब वाटर में किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करवाते हैं तो उसकी एक्वा स्टेट होती है। मोल्टन का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस अब अपने लिक्विड फॉर्म में हो, मींस जब हम उसको हाई टेंपरेचर पर हीट करते हैं तो वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, दैट इज मोल्टन स्टेट। क्लियर? तो गाइस जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी दोनों में ही इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, मींस इनमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है। तो गाइस इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, कंडक्टर्स कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वो हो गए जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बट गाइस जो मेटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, कैसे कंडक्ट हो रही है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल मींस वो वाला मोबाइल नहीं होता, मोबाइल का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं। तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो जो मेटल्स होते हैं इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। बट गाइस अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इस वजह से जो नॉन मेटल्स होते हैं
इनको नॉन कंडक्टर्स कहा जाता है या फिर इंसुलेटर्स भी कहते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर का मतलब होता है कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाते, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं, ठीक है गाइस, ग्रेफाइट, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये कंडक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। अब गाइस ये तो बात हो गई एलिमेंट्स की, अब होते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया, ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, याद रखे इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। पर गाइस इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या तो इनकी मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में ही कंडक्ट होती है, पर जो सॉलिड स्टेट होती है इनकी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। जैसे जो मेटल्स थे इनमें सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में ही कंडक्ट होती है, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? गाइस एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है उसमें आ जाएगा शुगर का सॉल्यूशन, अगर हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो वो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। देन डिस्टिल्ड वाटर, जो प्योर वाटर होता है वो। गाइस ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, तो ये चीज याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कौन सी स्टेट में, या तो मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट, दोनों ही स्टेट अलग अलग होती है, अभी मैंने आपको बताया भी है चीज। क्लियर? तो दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। पर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनमें बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, तो ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? अब गाइस इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रही है वो किस में हो रही है, मेटल्स में हो रही है, तो एक हो गया मेटलिक कंडक्टर्स और एक होती है इलेक्ट्रोलाइट्स में, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब इन दोनों में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? तो यस गाइस बिल्कुल डिफरेंस होता है, तो हम देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। गाइस देखिए एक साइड मैंने लिखा है मेटलिक कंडक्टर्स और दूसरी साइड मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मेटलिक कंडक्टर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर की वायर का, ठीक है, जो कॉपर वायर होती है, मेटल है कॉपर, तो मेटलिक कंडक्टर हो गया, उसमें आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एग्जांपल हम ले लेते हैं CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो गाइस ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं, मेनली ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं, मींस आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस है मेटलिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल। गाइस यहां पे जो करंट फ्लो होता है उसमें एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट होता है, मींस एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है नेगेटिवली चार्ज के होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल्स की तरह मूव करते हैं, तो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट होता है। क्लियर? अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रीम्स। गाइस इसमें दो स्ट्रीम्स कंसिस्ट होती है, मींस दो स्ट्रीम प्रेजेंट होती है, पहली वन ऑफ द पॉजिटिव कैटायन फ्लोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड। जो पॉजिटिव कैटायन्स होते हैं वो नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो दूसरी स्ट्रीम होती है नेगेटिव जो एनायन्स होते हैं फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं ये आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर? तो आयन्स में ब्रेक होते हैं, और आयन्स दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन और
और एक एनाइन, ये आप लोगों को पता ही है ना। तो गाइस देखिए, जो कैटाइन्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और जो एनाइन्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो यहाँ पे जो कैटाइन्स होते हैं ये मूव करते हैं कहाँ पर, कैथोड की तरफ। और गाइस जो कैथोड होता है वो नेगेटिव पोल होता है, तो पॉजिटिव ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ जाता है, जो कैटाइन्स है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और जो एनाइन्स होते हैं ये एनोड की तरफ मूव करते हैं, और जो एनोड होता है ये पॉजिटिव पोल होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। अब आप इसको एक और सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, सी सी की तरफ, ए ए की तरफ, सिंपल ठीक है। सी सी की तरफ जा रहा है दैट इज कैटाइन कैथोड की तरफ, और जो ए है वो ए की तरफ जा रहा है दैट इज एनाइन एनोड की तरफ, क्लियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो स्ट्रीम प्रेजेंट है और यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रीम प्रेजेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, क्लियर। तो देखिए सेकंड डिफरेंस है, मेटल्स बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गाइस ये मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि जो मेटल्स होते हैं ये अपनी सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं और लिक्विड स्टेट मतलब मॉल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं ओनली इन द एक्वस और इन द मॉल्टन स्टेट। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं या तो एक्वस स्टेट में या फिर मॉल्टन स्टेट में, बट सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करवाते। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, क्लियर। देन गाइस जो लास्ट डिफरेंस है वो है जो मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो वो फिजिकल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? फिजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे केमिकल चेंज नहीं होता, बट किसी किसी में केमिकल चेंज होता है। तो जो मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें केमिकल चेंज नहीं होता, मतलब कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इनकी फॉर्म इनकी कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता। दैट मींस ये कैसा प्रोसेस हुआ? फिजिकल प्रोसेस। पर गाइस जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट मींस आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, मींस डीकंपोजिशन होता है इनमें, क्लियर। तो इनमें जो चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इनमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। अब जैसे कि कॉपर सल्फेट का अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये डीकंपोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दैट मींस इसमें कैसा चेंज हो रहा है? केमिकल चेंज, क्लियर। तो गाइस ये डिफरेंस हो गया मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, ये डिफरेंस याद रखिएगा, प्लस इनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी याद रखिएगा। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।